सो मैं अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ। ये जो ट्रेन है इसका प्राइस आपको कुछ 180 से 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। गाइस मैं आ गया हूँ अमृतसर फाइनली और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, पर मैं ट्रेन से बहुत परेशान हो गया सब। अमृतसर का स्टेशन बहुत अच्छा लगा भाइयों और बहनों। सो मैं अपने होटल के रूम में आ गया हूँ और ये कुछ ऐसा रूम है और आप बस यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ पे रूम खत्म हो गया। आंटी मेरी से एक बात पूछनी मुझे आपसे। आंटी आप पाते हो कि नहीं पाते हो? सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं नावेद खान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे घर पे सब सो रहे हैं और मुकुल ने मुझे रात को 10:30 बजे बोला कि हम सुबह अमृतसर जा रहे हैं। मुकुल, उसकी मम्मा, मैं और हमारे यहाँ पास में रहते हैं रुचि, उसकी मम्मा और उसके साथ जो लोग हैं वो सब जा रहे हैं। और उस बेवकूफ़ ने ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बनाया है चुल्ली चाचा ने। इस चुल्ली चाचा की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई रात को, क्योंकि मेरे को पता है कपड़े मेरे पास, मुझे बस अपना झोला उठाया और लिटरली मैंने ऐसे ऐसे करके सामान डाला है और इतनी जल्दी इसने प्लान को रेडी करवाया उसने मेरे से। मुझे नहीं पता वो क्या सोचकर वहाँ जा रहा है, बट ठीक, मेरा काम है आप लोगों के साथ हर चीज़ को शेयर करना क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं वही करता हूँ। वेल, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूँ मैं अपने चैनल पर रिव्यूज़ करता हूँ और ब्लॉग्स करता हूँ, तो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ से हिल मत जाना। वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैंने पहना है अपना ये हुडी नहीं जैकेट और टी शर्ट और अपना जॉगर क्योंकि हमें ट्रेन में जाना है। और मुकुल मुझे कुछ बता रहा था, ये कुछ चीपेस्ट ट्रेन है दिल्ली से अमृतसर की, तो आप लोगों का मैं फ़ायदा कराऊंगा। एक एक चीज़ की डिटेल मैं आपको देता रहूंगा व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहना आखिरी तक। ब्रेकफास्ट मैं करूंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं करूंगा तो अपनी जर्नी चालू है, बातें ऐसी चलती रहेंगी, आप लोगों को ऐसे ही कॉन्टेंट मिलता रहेगा। तो चलें, चलो मेरे साथ, चलो चल 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 चल। A few minutes later. सो मैं अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ। ये जो ट्रेन है इसका प्राइस आपको कुछ 180 से 200 रुपीस में मिल जाएगा और ये मुकुल का आइडिया था ऐसा कंटेंट लेकर आना है कि चीपेस्ट ट्रेन हो जो लोगों तक पहुँच सके, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कम प्राइस में, कम बजट में, तो वो अमृतसर जा सकते हैं। टाइमिंग इसकी 6:15 की है और 2:15 तक ये उतार देगी हमें अमृतसर से। अभी जब मैंने एंट्री ली तो ट्रेन बहुत क्लीन थी, सब कुछ बहुत क्लियर था, साफ था, अच्छा था। बाकी इस पूरी ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और सुबह सुबह के टाइम पे इतना रश था कि मैं आपको बाहर की चीज़ें नहीं दिखा पाया बहुत, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आना था, तो मेरे को बैग भी था और हम तीनों ने एक ही बैग बना लिया अपना। सो अभी जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती रहेगी वैसे वैसे मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता रहूँगा। ट्रेन टाइम से चल गई है बट ट्रेन की जो सीट्स हैं ना वो बहुत फटी हुई हैं और मेरे हिसाब से मैं ऐसी वाली ट्रैवलिंग के लिए नहीं बनाऊँ। नेक्स्ट टाइम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना पूरा कंफर्ट भी देखूँ अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो। सो जैसे जैसे जर्नी चलती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। पर हाँ, 180 से 200 रुपये के बजट में ठीक है ये ट्रेन, बट सीट्स की हालत नहीं है मेरे लिए, नहीं है मतलब नॉट फॉर मी, पर मैं आप लोगों के लिए इसे कर रहा हूँ, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। 2 hours later और ये चाय आंटी लेकर आई है घर से हमारे लिए। आंटी हाय कर दो। आंटी ने टेबल तोड़ दी। और अभी सुबह सुबह अभी हम भूख नहीं लग रही थी, मतलब भूख लगी है मेरे को, तो अभी हम चिप्स और चाय पियेंगे। जो ट्रेन में चाय मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं होती चाय, आपको पता है, ऐसी पतली सी गंदी सी चाय होती है और घर की चाय का स्वाद अलग होता है। और अभी तक तो सुस्त हूँ, बाकी पता नहीं, अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, कन्फ्यूज मिक्स सा रिएक्शन है।
अब मैं आपसे चाय पी के थोड़ी देर में मिलता हूँ। और अब हो गया हमारे लंच या ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या है, जो भी है मिक्स लंच का टाइम है। आंटी ने बनाया है ये आलू, और अभी मैं पूरा आपको खोल कर दिखाऊंगा। ये दही है, कुकर प्लेट्स ओपन कर रहे हैं, और वो ही मेरी ओब्रामा की पेस्ट जो मैं अभी लंच करने के बाद खाऊंगा। तो मैं आपको प्लेट लगा कर फिर आपसे बात करूँगा। तो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, तीन पराठे, आलू का भट्टा, अचार, दही, नमक। तो मैं ही फिनिश करके खा के फिर आपसे बात करूँगा। Hours later. Guys, मैं आ गया हूँ अमृतसर फाइनली, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, पर मैं ट्रेन से बहुत परेशान हो गया सबसे। मेरा ये पहला ट्रेन का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। बाकी की बातें मैं आपसे जरूर पहुँच कर करूँगा। अमृतसर का स्टेशन बहुत अच्छा लगा भाइयों और बहनों, मैं आपको बिल्कुल सही सही न्यूज़ दे रहा हूँ। बहुत अच्छा स्टेशन है अमृतसर का, ट्रेन अच्छी थी, ट्रेन का एक्सपीरियंस खराब नहीं था, कमी मुझ में है। बात तो सही है कि मेरे को उसमें मजा नहीं आया, ट्रेन बहुत अच्छी थी इस प्राइस में। बाकी की बातें मैं आपसे घर पर होटल में पहुंच कर करता हूँ। सो मैं अपने होटल के रूम में आ गया हूँ, और ये कुछ ऐसा रूम है, और आप बस यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ पे रूम ख़त्म हो गया। अब ये पता है क्या यार, मैं अभी आप मेरा आईज देख रहे हो ना, मैं सच में अभी बहुत रोया हूँ, क्योंकि मुकुल की तरफ से मेरे लिए ये चैलेंज था कि हमें ऐसा कंटेंट लाना है, या मुकुल का मान लो कि सबसे चीपेस्ट होटल हो, सबसे चीपेस्ट ट्रेन हो। तो जो ट्रेन है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 180 रुपीज़ में, उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो लोग कम बजट में अमृतसर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मेरे लिए चैलेंज बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, हर माहौल में एडजस्ट होने की आदत होनी चाहिए। और इस होटल की जो फोटोज थी उसमें कुछ और था, और सबसे अच्छी बात देखो वॉशरूम कितना खूबसूरत है, ये देखो ये इसका वॉशरूम है, और वो देखो गीजर की हालत है। सो मेरे को मतलब वही है, हर इंसान को हर माहौल में एडजस्ट होने की आदत होनी चाहिए अपने कम्फर्ट लेवल से बाहर, और मुकुल शायद यही चाहता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से, या जो मैं एक अपना वो बना कर रखता हूँ, मैं एक बबल में रहने की मेरे को आदत है, उससे बाहर निकालना चाहता है, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं फिर से इमोशनल ना हो जाऊँ इस चीज़ को लेकर, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ है। और आप तो मैं आपको बता दूँ कि वो जो ट्रेन था वो मैं आपको बता चुका हूँ, 180 रुपीज़ में वो एक टिकट थी, और 7 घंटे का सफ़र था उस ट्रेन में। और ये जो होटल है ये 5,600 रुपये में 2 रातें 2 दिन का, इसमें ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड है। सो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो ज़ाया ना जाए, जो ये चैलेंज था वो यही चैलेंज था कि हमें सब कुछ बहुत कम प्राइस में चीपेस्ट उसमें ट्रैवल करना है। मुकुल की तरफ से मेरे लिए चैलेंज था, और अच्छी बात है ये चैलेंज सिर्फ एक दिन के लिए है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मैं बहुत मेहनत करूँगा, और मुझे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हमसे ना हो पाया भाई, सच में नहीं हो सकता, ऐसे मुश्किल है। मैं बहुत रोया हूँ सच में, आप देख रहे हो मेरे चेहरे से, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, हर माहौल में हर वक्त में एडजस्ट होना चाहिए। और मुझे ये लोग पहले भी, कई लोग ये चीज़ बोल चुके हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, शायद अब ऐसे ही मुझे ये लोग ऐसे कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहना, और वैसे बहुत फनी बात है ये, पर मेरे लिए थोड़ा सा है, कई लोगों के लिए, मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ कई चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, अपने कंफर्ट जोन में मैं बहुत रहता हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, अगर मैं कुछ खाता हूँ तो ज़रूर मिलूँगा, दिखाऊँगा मैं आपको क्या खा रहा हूँ, वरना व्लॉग में बने रहना। तो गाइस जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पूरा ट्रिप मुकुल की तरफ से है, और ये भी मुकुल ने चीपेस्ट थाली करवाई होगी, मुझे पक्का पता है, स्पेशल थाली है मुकुल। तो गाइस फूड तो डिलीशियस लग रहा है, ये है इसकी थाली, ये क्या है, दाल मिक्स वेज, दही, चावल, पराठा, रोटी, अभी खोलूंगा, और ये है बड़ी बड़ी लस्सी। आंटी हाय कर दो। हाय। A few minutes later. वो यार ऐसे हो मत कर। पानी दे दे।
आंटी मेरी से एक बात पूछनी मुझे आपसे। आंटी आप पाते हो कि नहीं पाते हो? क्या बोला तूने? बताओ आंटी, आंटी या मैं अंकल से पूछूं, अंकल आंटी ने लास्ट कब पादा था? आंटी यूट्यूब पे डालेगा। अच्छा आंटी हेलो कर दो मेरे सब्सक्राइबर्स को। हेलो गाइस, ये हम पाती अभी तो नहीं पता। आंटी बताओ, सच सच बताओ, हम सखी इन होटल में है ना आंटी? ठीक है, क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, जो मन में है बोलो, पा दो। अच्छा बताओ आंटी, कॉफी कॉफी कैसी लगी ये बताओ? कॉफी अच्छी नहीं थी। हाँ, और बाथरूम? पानी, बाथरूम अच्छा है लेकिन पानी काला। शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं होटल से बाहर। जो हमारे होटल के जो इस होटल की खासियत ये है, इस होटल के बिल्कुल सामने ही गोल्डन टेम्पल है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अब हम मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। तो चलो 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 चलो। सो उस तरफ है गोल्डन टेम्पल और इस तरफ है हमारा होटल और हम जा रहे हैं मार्केट में। और ऐसी जस्ट सामने वाली मार्केट, उस तरफ है गोल्डन टेम्पल और ये पूरी स्क्रीन पर है मार्केट। और अभी हम शाम के टाइम मार्केट ही विजिट करने के लिए आए, तो आ जाओ। मार्केट से हम लोग आ गए थे, बहुत अच्छी मार्केट है अमृतसर की और मेरा आना वसूल हो गया सच में। ट्रेन व्रेन सब कुछ भूल गया, सारे स्ट्रगल्स। बहुत अच्छी जगह है और शॉपिंग स्पॉट है गर्ल्स के लिए तो ज़बरदस्त है। यहाँ पे जूतियाँ, सूट, ज्वेलरी भर भर के आपको मिलेगा और मुझे बहुत मज़ा आया। अब आकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर डिनर करते हैं, तो मैं आपको डिनर पर मिलता हूँ। सो गाइज, डिनर मैंने ना आज क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं वो हो रहा था हबड़ दबड़ हबड़, तो जो खाया थोड़ा बहुत फटाफट खा लिया। अभी मैंने दवाई वगैरह लगा ली अपने सर पर और आज के इस व्लॉग को हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया हो। हमने गोलगप्पे खाए, कुल्हड़ वाला दूध पिया, बहुत मस्ती करी और रूम की हालत देख लो क्या कर दी। सो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द अपने अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर स्क्रीन्स। Thanks for watching. Namaste. Shut up. Be quiet. Shh.